नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो? ठीक होना हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, इस बार जो ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती का रिजल्ट आया है, उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछली भर्तियों में भी हमने देखा था कि जब रिजल्ट आया तो इसकी जब पहली मेरिट सूची आई उसमें 1/7 23 सर्किल की आई थी, लेकिन इस बार मात्र 12 सर्किल की लिस्ट आई है। ऐसा क्यों हुआ है? बाकी राज्यों का रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्या कारण है? एंड जिनका रिजल्ट आया है उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी है, जरा बोर्ड पर ध्यान देना, आपको सेकंड लिस्ट का भी इंतजार होगा। लाइक का बटन दबाना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। प्यारे साथियों, भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक 44,228 पदों पर जो भर्ती है इसकी पहली मेरिट सूची जारी हो चुकी है। कौन कौन से सर्कलों की जारी हुई है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? वेस्ट बंगाल 2540 कैंडिडेट्स का नंबर आया है, पंजाब से 384, उड़ीसा 2477, महाराष्ट्र 3166, केरल 2433, कर्नाटक 1940 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, गुजरात से 2030, दिल्ली से मात्र 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, दिल्ली से मात्र 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, असम 892, आंध्र प्रदेश 1355 एंड तमिलनाडु 3789, तेलंगाना 980। टोटल 12 सर्कलों की बात की जा रही है, 22,008 बच्चों का पहली मेरिट सूची में नंबर आया है। कितनों का? 22,008 बच्चों का। अब ये 22,008 बच्चों से मैं यही कहूंगा कि आपको अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 3 सितंबर 2024 है, चले जाइए वरना रह जाओगे। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं इन 12 सर्किलों की, तो बहुत कम कट ऑफ गया है, एकदम लो कट ऑफ गया है, बहुत कम परसेंटेज वालों का नंबर आया है। मैंने टेलीग्राम पर इन 12 सर्किलों का रिजल्ट अपलोड कर दिया है, तो एक बार आप खुद से भी उन लिस्ट को चेक करो, मैं एक एक करके नहीं बता सकता, आप जब खुद करोगे तो खुद को मालूम चल जाएगा कि बहुत कम परसेंटेज वालों का नंबर आया है पहली लिस्ट में। और ये तो अभी पहली लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट आना बाकी है। तो ये वो सर्किल है जहां हमेशा कट ऑफ कम ही जाता है, बाकी यहां से अगर किसी का पहली लिस्ट में अभी भी नंबर नहीं आया तो सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे होंगे, और सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी अगले महीने सितंबर में आएगी, 12 सितंबर के आसपास। ठीक है, बहुत सारी लिस्ट आएंगी, टेंशन मत करो, घबराओ मत, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कि इन 12 सर्किलों में से आपका पहली लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया, जरूर बताना। ठीक है, और अपनी परसेंटेज भी मुझे बताना। दोस्तों, जो भी मैं इन 12 सर्किलों की बात कर रहा हूं, यहां से सबसे कम फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि लोकल भाषा यहाँ की अलग है, तो जो हिंदी भाषी सर्किल है वहां के बच्चे यहां से अप्लाई नहीं कर सकते। अभी दोस्तों 11 सर्किलों का रिजल्ट रोक लिया गया है, वो 11 सर्किल हिंदी भाषी है, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बहुत सारे और भी स्टेट है, इनका रिजल्ट रोक लिया गया है। रिजल्ट रोकने का कारण है कि यहां सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। मैं बता दूं कि इस बार इस वाली भर्ती में 68 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, पहले 2023 में जो वैकेंसी आई उसमें 40 लाख बच्चों ने ही फॉर्म डाला था, इस बार फॉर्म की संख्या बढ़ चुकी है, वो भी हिंदी सर्किलों में तो सबसे ज्यादा फॉर्म भरा जाता है। तो आपकी जो ये पहली मेरिट सूची है या फिर अन्य जो लिस्ट है, इसको इंसान नहीं बनाता। कौन नहीं बनाता? इंसान नहीं बनाता, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहीं ना कहीं फिक्स टारगेट करा दे दिया जाता है, वो सॉफ्टवेयर ही आपकी मेरिट लिस्ट निकालता है। और यहां ज्यादातर बच्चों की संख्या ज्यादा है तो लोड पड़ गया है, क्या पड़ गया है? सॉफ्टवेयर पर लोड पड़ गया है, इसलिए एक साथ ये सॉफ्टवेयर आपकी लिस्ट को जारी नहीं कर सकता। पहले इन्होंने इन राज्यों की जारी कर दी है, अब आपके सर्किलों की जल्द से जल्द कभी भी किसी समय, कोई फिक्स नाम नहीं, अभी आ गई होगी या फिर वीडियो बना रहा हूंगा तो बाद में आ जाएगी, कभी भी किसी भी समय आपकी रिजल्ट लिस्ट आ रही है। ठीक है, ज्यादा डिले नहीं होगी, टेंशन मत करो, बाकी आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, मैंने बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट DB में चाहिए होंगे,
तो एक बार मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस को इन सर्किलों से रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। ये भी सर्किलों के बच्चे बताएं आपका रिजल्ट बना है या नहीं बना। बाकी दोस्तों जैसे ही लिस्ट आएगी टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले अपलोड करूंगा। रात के 11 बजे रात को मैंने रक्षाबंधन के दिन जब मेरिट लिस्ट आई थी ना वीडियो बनाई थी और सभी की लिस्ट डाल दी थी इन 12 रेस्टोरेंट की, ऐसे इनकी डाल दूंगा, टेंशन मत करो। आप फर्स्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो पल पल की अपडेट पाने के लिए, जुड़े रहो अभिषेक क्लासेस के साथ। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें अभी करनी है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में वीडियो बनाता रहता हूं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद जय भारत।